नमस्कार दोस्तों, फाइनली सैमसंग के गैलेक्सी M51 में एक नया अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों, काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो अपडेट है ये एंड्रॉयड 12 का अपडेट है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो अपडेट दोस्तों ये क्यों भेजा है कंपनी ने और इसका साइज क्या है, और प्लस दोस्तों इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी कोई अपडेट आता है तो हम अपडेट कर लेते हैं फिर भी हमारे फ़ोन में कुछ चेंज होकर नहीं मिलते। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है, जिससे दोस्तों आपको पता लग सके कि यहाँ आपके फ़ोन में चेंज होकर आया है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M51 जो अपडेट आया है 12 अगस्त को, जिसका साइज है दोस्तों, साइज की बात करता हूँ मैं, तो ये दोस्तों 330 MB समथिंग का। तो दोस्तों नॉर्मली जो अपडेट होते हैं सिक्योरिटी पेज लेवल वाले वो होते हैं 100-125 MB तक के, लेकिन इसका साइज दोस्तों 300 से ऊपर का। तो इसमें दोस्तों थोड़े वक्त चेंज होकर हमें मिलते हैं, बट ये एंड्रॉयड 12 का अपडेट नहीं है, क्योंकि दोस्तों सैमसंग की एम सीरीज इतनी पॉपुलर नहीं है कि वो ए सीरीज से पहले अपने एम सीरीज में एंड्रॉयड 12 दे दे। अभी ए सीरीज में भी दोस्तों 12 नहीं आया, तो एम सीरीज में कहाँ से आएगा। तो ये जो अपडेट दोस्तों ये है, सिर्फ जो आपके फ़ोन में बक्स वगैरह हैं थोड़े बहुत हीटिंग इशू आ रहे हैं वो फिक्स हो जाएंगे। आपका फ़ोन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चल रहा है, स्टेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है M51 की, लेकिन फिर भी दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिए गए हैं इस अपडेट के बाद। तो अगर आपके फ़ोन में हल्के फुल्के जो माइनर से इशू आ रहे होंगे, जो बक्स वगैरह आते होंगे, वो भी दोस्तों अब फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसका साइज़ दोस्तों 300 से कुछ MB का, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि इस अपडेट में आपके दोस्तों जो बक्स वगैरह हैं, जो इशू वगैरह हैं, वो फिक्स हो जाएंगे और सिक्योरिटी पेज लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बनी हुई चेंज हो जाए या फिर दोस्तों एंड्रॉयड सिस्टम चेंज हो जाए, वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपके फ़ोन को इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये जो अपडेट है ये कंपनी ने भेजा है। तो अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट आया है तो जब आप इस अपडेट को कर लोगे तो आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। आपके फ़ोन की जो स्मूथनेस है या फिर दोस्तों जो स्टेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, वो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि इस अपडेट में हमें क्या मिलता है और दोस्तों ये अपडेट क्यों कंपनी ने भेजा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।